हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो क्या ध्रुव राठी अरेस्ट होने वाले हैं? सुबह से एक न्यूज काफी वायरल चल रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि दिल्ली कोर्ट ने समन किया ध्रुव राठी को 20 लाख के डिफेमेशन सूट के लिए, जो फाइल किया गया है बीजेपी लीडर सुरेश नकुआ के द्वारा। ध्रुव राठी ने एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे जो उनको रेफर कर रहा था एज अ वॉयलेंट एंड अब्यूजिव ट्रोल। वेल, इस पर ध्रुव राठी ने भी रिएक्ट किया और वो अपने ट्विटर पर लिखते हैं, वन अब्यूजिव बीजेपी अंकल हैज फाइल्ड अ 20 लाख कोर्ट केस अगेंस्ट मी बिकॉज आई कॉल्ड हिम अब्यूसिव। क्यों इतनी बेइज्जती कराने का शौक है इनको? अब इन अंकल की पूरी अब्यूसिव हिस्ट्री दोबारा पब्लिक होगी। इसके बाद वो एक और ट्वीट डालते हैं जहां पर वो बीजेपी लीडर के ट्वीट को कोट करते हुए लिखते हैं, डिलीट मत करना अंकल, ये सब कोर्ट को भी दिखाना है। वेल गाइज, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। वेल गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अदनान जो है वो एलिमिनेट हो गए हैं बिग बॉस हाउस से, जिसके बाद वो इंटरव्यू में गए जहां उनसे एलविश यादव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, जिस पर वो क्या कहते हैं आप सुने। What would you say to that? स्नेक वेनम के केस में कौन अंदर गया है तो उसको उसका नशा चढ़ गया रहेगा। आज भी उसको ईडीवीडी की रेट पड़ी है, अभी वायरल हो रहे हैं न्यूज़ में। तो जो खुद क्रिमिनल है उसकी क्या ही बातें करें अभी। पर हाँ, उसको फैसल ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है, वो फैसल ने अपने तरीके से जवाब दिया, अभी मेरा जवाब बाकी है। और कैसा जवाब देंगे आप उसको? उसको उसकी भाषा में जैसे समझ में आए वैसा जवाब दूंगा। और कैसा सिस्टम हैंग करेंगे आप? वो ऑलरेडी हैंग है, अभी मैं बताया ना, जैसे कि मैं पता चला कि ऑलरेडी ईडीवीडी की रेट पड़ी है शायद, तो वो ऑलरेडी उसकी जिंदगी वैसी है, तो और ज्यादा हैंग करूंगा अभी थोड़ा रुक के। वेल, जैसा कि आप लोगों ने सुना, एलविश यादव से रिलेटेड काफी सारी बातें बोली अदनान ने अपने इस इंटरव्यू में। इस चीज पर एलविश यादव भी रिएक्ट किए। जी हाँ, रिसेंटली वो अपना एक ब्लॉग डाले जहाँ पर वो अदनान के ऊपर रिएक्ट करते हुए क्या कहते हैं आप देखें। एक हफ्ते बिग बॉस में रह आया, कह रहा अब रेस्ट चाहिए मुझे, उसके बाद करूंगा, रेस्ट चाहिए इसे एक हफ्ते में। भाई बिग बॉस में तूने रेस्ट ही करा, देखो अब वही हो गया, 5 मैच की सीरीज है, 3 मैच में 0 पे आउट हुए, 2 मैच में मारे 20-20, उसके बाद बोला बहुत थक गया हूं रेस्ट दे दो। इनने तो वो भी ना मारे होंगे 20-20 भाई। और ये तो लग रहा था, मतलब जितना मेरे सुनने में ट्विटर में देखो, अदनान तो भाई बहुत बोल रहा फालतू है, वो ऐसा तो कुछ फालतू नहीं बोला, ये तो भाई मेरा रोज का नहीं है, ये तो बच्चों वाली बात इनने करी है, वो तो चलो कोई नहीं। और रही अदनान की, क्या कह रहा था, भूल भी गया मैं इसका बोला हुआ, कि एक एक का उतारा करेंगे, उड़ती उड़ती वीडियो आई, उड़ती उड़ती उड़ता उड़ता तीर आ रहा होगा, उसे पकड़ लियो भाई, और उस तीर पर कभी हम ना हो, कहते हमारा छोटा और तीर हो तो उसे जरूर पकड़ लेना। दूसरी चीज, जैसे इंसान से आप आमने सामने बैठ के मिलते हो तो क्या होता है कि काफी चीजें चेंज हो जाती है, मतलब उस पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है कि नहीं यार लड़का ठीक है, लड़का जो भी है मतलब ठीक ही रहती है पॉजिटिव चीजें। बट मुझे ऐसा लगता है जब मैं अदनान से कभी मिलूंगा बाय चांस, तो अदनान पहली बात तो यूं देखेगा, सही बात, यहाँ आएगा, यहाँ नू नू टेक दूंगा नीचे करके, जो इसने तो कई चीजों की हिसाब लेना, अदनान को तो वीडियो वाडियो का हिसाब लेना, मुझे कई चीजों का हिसाब लेना। तो बोलते सेवेज, इसका तो सेवेज पन्ना तो निकालूंगा, सेवेज तो इसने देखा ही नहीं, कह रहा मेरी गैर मौजूदगी में बॉर्डर पे चला गया था तू, जब पीछे तो तेरे घर वाले किसी को छेड़ गया मैं गैर मौजूदगी। भाई तुम तो दिल्ली आते नहीं, पता क्यों नहीं आते तुम दिल्ली, क्योंकि तुम तुम्हें कोई बुलाता नहीं, पर हम मुंबई जरूर आते हैं क्योंकि हमारा काम होता है उधर, बाकी हम तुम्हें बुलाएंगे, काम देंगे तुम्हें दिल्ली में भी, तो दिल्ली में आना तुम या फिर मैं मुंबई में आऊंगा, वहां मेरे सामने मिल जाइयो, ऐसे देख, ऐसे देख के तुझे बात करवाऊंगा, पहले तो ना मैं पहले मैं बैठूंगा फिर मैं बराबर आऊंगा तेरे, उसके बाद करेंगे आगे की बातचीत। तो भाई जितने मुंह खुल रहे हैं मुंह बंद कर ले दोस्त, आमने सामने ना निकलेगी इतनी जुबान दराजी। बिग बॉस में भी देख लिया था कितना डेंग है तू, धक्के दुक्के मार के मारे मार के दिखा दिए, धक्का तो ऐसे करके दिखा दिए, उससे पता लग जाएगी तुझे। वेल गाइस, एक और लफड़ा को खो रहा है, और आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। वेल, जैसा कि कल की वीडियो में हमने बताया था कि अजाज खान एक वीडियो डाले जहाँ पर वो बोलते हैं कि एलविश यादव और अजय दलाल ने उनको सॉरी बोल दिया है, और अजय दलाल ने तो माफी मांग ली है, उसने भी सॉरी बोला है, बोले एजाज भाई तुम मेरे बड़े भाई हो, और एलविश यादव ने भी माफी मांगी है माशाल्लाह, और बोला है भाई तुम मेरे बड़े भाई हो। तो उस चीज पर रजत दलाल भी रिएक्ट किए, वो एक स्टोरी लगाते हैं जिसमें वो बताते हैं कि कितना सच है और कितना झूठ है, वो बताते हुए नजर आते हैं कि ये सब वो सिर्फ अटेंशन के लिए कर रहा है। वेल, वो क्या कहते हैं स्टोरी पर, आप उनका वीडियो देखें। अभी दरअसल मैंने देखा है कुछ सॉरी वॉरी का चक्कर बता रखे हमने, कुछ सॉरी वॉरी बोली है, तो देखो एक आदमी लेना चाह रहा है खाली अटेंशन, और हम फिलहाल उसे दे नहीं रहे, तो वो नए नए तरीके अपना रहा है कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं कि थोड़ी अटेंशन मिले। वेल गाइज, आपका क्या ओपिनियन है इस कंट्रोवर्सी के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।